हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अक्षय कुमार की फिल्म की बात हो और उसमें कॉमेडी का तड़का लग जाए तो भाई मजा आ जाता है। वहीं उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म हाउसफुल 4 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आइए जानते हैं हमारी टीम से आखिर उन्हें कैसा लगा। ट्रेलर बहुत धमाकेदार था, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है, साथ के साथ हॉरर भी है। मुझे ट्रेलर थोड़ा सा एवरेज लगा, जो कॉमेडी पंचेज है तो उस वो मुझे देख के ना बहुत अच्छा लगा। रितेश एंट्री करता है अक्षय के साथ तो वो बहुत ऑसम होता है। ठीक है, ओके ओके विद ट्रेलर। ट्रेलर कैसा लगा यार? ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक वर्ड में अगर बोलूँ माइंड ब्लोइंग। ट्रेलर की अगर बात करें तो उसमें डायलॉग्स भी काफी मजेदार है, तो तुम्हें डायलॉग्स कैसे लगे? डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही वो मतलब इस तरह से स्टार्ट होता है कि इतिहास हमेशा दोहराता है। ये चीज़ काफ़ी मतलब एक डायलॉग है लेकिन ये हकीकत है, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो मतलब डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं, पंच लाइन्स इसमें एक से एक बढ़कर हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे डायलॉग इसका। ट्रेलर का रिव्यू देने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जब मैंने स्टार्ट करा ट्रेलर देखना तो मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे ना ऐसे फर्स्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था ट्रेलर, मतलब जो हाउसफुल फर्स्ट पार्ट आई थी उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि सेकंड और थर्ड मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, पर इस बार मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी। मैंने कहा यार ये हर बार वैसी ही कॉमेडी होती है तो इस वजह मैंने नहीं लगाई थी। जब मैंने स्टार्ट करा मूवी तो सबसे मुझे चीज़ अच्छी जो लगी वो रुक रुक के जो पंचेज आए हैं, जो कॉमेडी पंचेज है, तो उस वो मुझे देख के ना बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे हंसी मतलब निकल ही जाएगी, तुम बिना रुके हंसी रुके नहीं रह सकते। तो स्टार्ट जब वो अक्षय कुमार का जो था वो ट्रेलर पूरा मेरे को स्टार्टिंग का जो उसका सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे उनका फेशियल एक्सप्रेशन लगा, जो फर्स्ट में उन्होंने सबसे कॉमेडी का पंच वहीं से ही आया कि जैसे ही उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन लिया, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे वैसे मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा कि कॉमेडी भी थी, पंचेज भी थे, सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा था। पर उसमें जो सरप्राइज एलिमेंट थे मेरे को, जैसे क्योंकि कैरेक्टर मेरे को तो पता ही था कि ये कौन कौन है, मगर जो सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए थे तो वो राणा डुगुपाती थे और जॉनी लीवर थे और नवाज़, इन तीनों का भी मुझे जो छोटा छोटा कैरेक्टर था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे जॉनी लीवर का बहुत अच्छा लगा, जैसे वो लड़कियों वाला उन्होंने करा उसमें जो कॉमेडी थी, और रंजीत सर की जो है वो भी थे उसमें, तो उनका वो जो फेमस डायलॉग जो हमेशा रहता है अब तो मैं करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल ट्रेलर अच्छा है, पर हाँ कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ लाने के लिए शायद कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। फिल्म भी रिलीज़ होगी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, पर हाँ कॉमेडी है, लोगों को कॉमेडी से सबका एक तो सबको फिल्म देखने का जॉनर सबका अपना होता है, किसी को कॉमेडी फिल्म पसंद है तो किसी को सोशल फिल्म मतलब वैसी फिल्म पसंद है, और अक्षय है तो वैसी भी फिल्में चलनी है। ट्रेलर मेरे को सही बताऊँ तो फुल ऑन एंटरटेनिंग लगा, जिस तरीके से जो अक्षय कुमार हैं वो एकदम इसमें टकले लुक में नज़र आ रहे हैं और रितेश देशमुख हैं वो एक डांस वाले बने हुए हैं, वहीं धर्मपुत्र बॉबी देओल बने हुए हैं, तो काफ़ी तीनों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। ट्रेलर शुरुआत होता है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो जाती है कि 600 साल पुराने में चली जाती है मूवी और फिर एकदम से दोबारा से आज की जनरेशन में आ जाती है। उस बीच उन्होंने क्या कांड किया उसको लेकर एक डायलॉग दिया है, मैंने डायलॉग लिखा है जो मैं आपको बताऊँ। स्टार्टिंग के ट्रेलर में एक डायलॉग शुरू होता है, कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं, और लगता है मेरी तब भी लगी थी और अब भी लगेगी। तो एक ये डायलॉग है अक्षय कुमार का, ये वाकई में इतना बेहतरीन लगता है कि उसी से ही पता चल जाता है कि इन लोगों ने 600 साल पहले कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे कांड किए हैं जो उनके साथ जो हम 2019 का जो दिखाया एरा उसमें वो चीज़ उनके पास दोबारा वापस आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मुझे ये लगी कि इसके अंदर मुझे ट्रेलर में लास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखे, जो थोड़े से ही दिखे लेकिन एक बार में देख के क्लिक हो गया, हमें कॉमेडी सी लगी देख करके। उसके अलावा राणा दग्गुबाती भी ट्रेलर में मुझे दिखाई दी, उन्हें देख करके वो इतने डरावने लग रहे हैं कि थोड़ा ना डर सा भी लग जाता है हॉरर। तो मुझे लगता है ना सारी चीज़ें इसके अंदर कॉमेडी भी है और एक्शन भी है साथ के साथ हॉरर भी है, तो फुल ऑन ज़बरदस्त रहेगी। तो मुझे लगता है मूवी काफ़ी अच्छा करेगी ट्रेलर के हिसाब से। ट्रेलर बहुत धमाकेदार था और काफ़ी अच्छा था कॉमेडी उसमें, और बहुत टाइम से मतलब ऐसी मूवी देखने का वेट कर रहे थे, और उसमें मतलब ये है कि 600 साल पुराना दिखाया गया है उसके बाद, लेकिन ये तीन सीरीज से कुछ अलग है इसके अंदर, तो अच्छा लगा फाइनली। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया और अक्षय की एंट्री तो बहुत ही दमदार थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और साथ में जब रितेश एंट्री करते हैं अक्षय के साथ तो वो बहुत ऑसम होता है, और ट्रेलर में बहुत ज़्यादा कॉमेडी थी जो मुझे बहुत पसंद आई, और लास्ट में एक डायलॉग था जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा।
मुझे ट्रेलर थोड़ा सा एवरेज लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे कंफ्यूजिंग वाली लगी। एक तो हाउसफुल के जितनी भी सीरीज हैं उसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और इस बार इन्होंने चूँकि पुनर्जन्म और बहुत सारी चीज़ें, अब देखना होगा कि क्या स्टोरी को ये बांध पाते हैं या नहीं। प्लस मुझे और भी चीज़ें लगी जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगी, और लगा कि ये दूसरे फिल्म से इन्होंने चोरी की है। ट्रेलर में एक सीन में जो है वो बाहुबली की तरह वो तीर चलाती हुई नजर आ रही है कृतिका सेन, वहीं दूसरे में जो सेट है वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से पद्मावत से चोरी किया गया है। अक्षय का जो लुक है, जो पुराना उसका लुक है, वो भी मुझे लगा कि वो उठा लिया गया है। तो अब देखना है कि इतनी सारी स्टोरीज और जो किरदार हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप ट्रेलर में ही देखें तो करीब करीब किरदारों को इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया और 10 से 12 किरदार इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो इन किरदारों के लिए कितना टाइम है डायलॉग्स के डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि हाउसफुल की आप पूरी सीरीज को देखो तो इन सीरीज में जो पंचेज होते हैं उस पर बहुत ये लोग जोर देते हैं कि पंचेज बिल्कुल करेक्ट टाइम पे निकलें। तो अब ये 12 किरदार और ये किरदार कैसे पंच मारेंगे, और कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो बहुत ही लूज करने वाला किरदार है। तो अब देखना होगा कि जब कोई डायरेक्टर इन लोगों के साथ, आपके साथ अक्षय हैं, रितेश हैं, राणा दुर्गावती हैं और बड़े बड़े किरदार हैं, तो इन किरदारों के साथ आप फिल्म को कैसे बांध के रख पाते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर कोई भी किरदार कमज़ोर हुआ तो पूरी फिल्म वहाँ से गिरेगी। और दूसरा जो मुझे अच्छा लगा, जैसे जो अच्छी चीज़ें लगी कि जितने भी एक्टर्स को इस फिल्म में लाया गया सभी मंझे हुए कॉमेडियन हैं, तो कॉमेडी ज़बरदस्त होने वाली है। फिल्म का सेट देखना होगा कि कितनी अच्छी इन्होंने बनाई है, क्या जो ट्रेलर में दिख रहा है इतना वो फिल्म प्रेजेंट में कितना है और पास्ट में कितना है ये देखना होगा। कि अगर फिल्म पास्ट में बहुत ज़्यादा है तो शायद फिल्म बोर करने वाली है, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों ने पहले भी देखी। आप साउथ की कोई भी डब मूवी को उठा लो तो आपको ऐसी ही स्टोरीज मिलेगी, लेकिन अब ये देखना है। प्लस जो लास्ट में वो कन्फ्यूजन बता रहे हैं कि ये मेरी बीवी तेरी भाभी, ये कितना एक्सेप्टेबल है ये भी देखना होगा कि आज के सेंस में उसको पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन टाइमिंग ऐसी है, दिवाली में फिल्म रिलीज़ होने वाली है, छुट्टी का समय है, फेस्टिवल सीजन है, तो मुझे लगता है कि फिल्म को बहुत ही मतलब ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। और अक्षय हैं तो अक्षय का कहो कि अभी सारे ग्रह जो हैं उसके एकदम फेवर में है, तो अक्षय की फिल्म चलने वाली है। ओवरऑल मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ लगा कि कई सारी फिल्मों को उन्होंने उठा के एक फिल्म करने की कोशिश की। मुझे भी हाउसफुल 3 से जैसे देखा था पहले तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी, तो जैसे ये ट्रेलर आया है तो ठीक है, ओके ओके विद ट्रेलर, बिकॉज पहले स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि बाहुबली का सेट कॉपी कर दिया एग्जैक्टली, और बाद में बाकी आधी आधी चीज़ें ऐसे लगा कुछ कुछ कॉपीड हैं। और जैसे 1490 में वो गए हैं तो पूरा सेट बहुत ग्रैंड है नो डाउट, तो वो चीज़ें अच्छी लगी हैं। सेट बहुत कूल बना रखा है, बहुत ग्रैंड सेट बना रखा है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा है। लेकिन मूवी में कुछ मिसिंग है, आई डोंट नो। सेट की बात हो रही है वैसे, हाँ सेट मतलब जो पूरा ओवरऑल है सेट बहुत अच्छा था। फिल्म 75 करोड़ के बजट में बन रही है, मतलब हाई है, मतलब पैसा जो है बहुत ज़्यादा लगाया गया है, तो ऑब्वियसली सेट पे भी लगाया तो पैसा वैसा लगाया तो मतलब मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स वो ऐसे बाहुबली का याद दिला रहा है, और जहाँ तक रानी दुर्गावती की बात है उनके जो मेकअप जो उनका कर रखा है, जो जिस तरीके से उनको मेकअप दिया गया है वो खिलजी की याद दिला रहा है। मतलब ऑल ओवर ऐसा इतना डरावना लुक दिया हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें उठाई गई हैं। तो हाँ मुझे लग रहा था कि कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है जो जंप कर रहे हैं बार बार इधर से 90s में, नहीं 1419 से 1419 में, तो वो चीज़ें थोड़ी हाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। लेकिन लोग देखेंगे, वॉच करेंगे, क्योंकि ये मूड की फिल्म है कि हाँ हम इस जॉनर में फिल्म देखते हैं, तो ऑफकोर्स ये फिल्म लोग देख सकते हैं। और रही बात रितेश देख चुके, मुझे उनका करेक्टर बहुत अच्छा लगा, जो वो नितिका बने हैं उसमें मुझे उनका करेक्टर वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उस में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग। करेक्टर की बात हो रही है तो मैं एक बात बता दूँ, बॉबी देओल इस बार पहली बार जुड़े हैं इस फ्रेंचाइजी से, तो मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भी कॉमेडी देखना, क्योंकि हमने ना मोस्टली उनको वैसे में देखा है, तो वैसे बॉबी देओल का देखने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनका भी क्या कॉमेडी आता है। पिछली बार वो अभिषेक बच्चन थे, तो इस बार मतलब अक्षय और रितेश का ट्रायल, तो मतलब वो उन दोनों का जुगलबंदी तो उनकी तो चलती है, मगर हर सीजन में हर फ्रेंचाइजी में एक एक कैरेक्टर बदला है, तो इस बार देखते हैं कि बॉबी देओल क्या करते हैं, देखते हो कि भी मुझे काफ़ी उम्मीद है एक्चुअली इसमें बहुत अच्छी लग रही है, और मे बी उनको कुछ बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा।
अक्षय कुमार की बात करें तो वो केसरी फिल्म लेकर आए थे इस साल, जिसने 150 करोड़ कमाए थे। फिर उन मिशन मंगल लेकर आए, जिसने 200 करोड़ के पार कर लिया था अपना बजट। लेकिन अब उनकी फिल्म जब हाउसफुल 4 आएगी, क्या ये 300 करोड़ पार कर ले? ये अभी नहीं कह सकते, ये ट्रेलर है सिर्फ। ट्रेलर के बाद पता चलेगा जब फिल्म आएगी। फिर अभी तो ट्रेलर में तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर, लेकिन एक्चुअल में जब फिल्म आएगी तो कंटेंट कैसा होगा? अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी इसमें क्लम्सीनेस दिखाई गई है। तो अब पता चलेगा जब फिल्म आएगी कि एक्चुअल में कंटेंट क्या है, लोग समझ पाते हैं कि नहीं, तो तभी पता चलेगा कि बॉक्स ऑफिस पर इसका कैसा रहता है। और स्टार्स की एक्टिंग की अगर बात कर ले, इसमें राणा रघुपति और जॉनी लीवर और नवाजुद्दीन भी हैं, जिन्होंने सेक्रेट गेम्स का थोड़ा सा वो डायलॉग भी मारा है। तो तुम्हें सबके थोड़े थोड़े जो किरदार ट्रेलर के जरिए दिखाए गए हैं, सब तुम्हें कैसे लगे? सबके मुझे बहुत अच्छे लगे। सबसे बेस्ट मुझे लगा है राणा रघुपति का, जिस तरह से उनका किलर लुक ऐसा, मतलब बहुत स्केरी दिखाई गई है उनकी, उनका लुक काफ़ी स्केरी है। और मतलब उनकी हंसी, उनके डरावने वाले चेहरे, मतलब बहुत हटकर लगा है मुझे वो, तो उनका सबसे बेस्ट लगा है। वहीं अब क्लैश की भी बात कर लेते हैं। यास्मीन की ये फिल्म क्लैश करने वाली है भूमि और तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख और मेड इन चाइना राजकुमार राव की फिल्म के साथ। तो क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? ऑब्वियसली अक्षय, क्योंकि इन तीनों का मतलब मुझे नहीं लगता है कि कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि अक्षय हमेशा से ही अपना बेस्ट देते आए हैं। तो मेरे हिसाब से अक्षय कुमार। आपको बता दें कि ये बॉलीवुड की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है फराज सामची ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कृति सनन, रितेश देशमुख, जॉनी लीवर और कई सारे स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म 25 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। वैसे आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।